हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू अपने चैनल भोगभाटका में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ इंडो चाइनीज़ रेसिपी, चिली पनीर की रेसिपी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कितना सॉफ्ट है, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अंदर से एकदम सॉफ्ट पनीर है, बाहर से क्रंची। चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है। मैंने 100 ग्राम के लगभग मैदा लिया है, 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए। मैदा और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके बैटर तैयार करेंगे और पनीर को डीप फ्राई करेंगे उसमें कोट करके। हम मैदा में कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर देंगे, उसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देती हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसका एक बैटर तैयार करना है। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है और बैटर तैयार करना है। और इसमें 3 चुटकी हम डालेंगे फूड कलर, जिससे कलर अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं आप। देखिए ऐसा बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अभी मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। मैंने पनीर को मीडियम साइज़ में काटा है, अगर आपको छोटा या और बड़ा करना है आप अपने हिसाब से साइज़ में काट सकते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको पसंद हो आप सेलो फ्राई कर सकते हैं। हम एक एक करके सारे पीस इसमें डाल देंगे। सारे पीसेस को ऐसे डालते जाना है दूर दूर। फ्लेम मीडियम हाई रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इनको 4 से 5 मिनट के लिए ब्राउन कलर आने तक इनको डीप फ्राई करेंगे। मैंने डीप फ्राई किया है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। अभी जो पीसेस अगर चिपक गए हैं हम उनको धीरे धीरे करछी से अलग कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करेंगे। बीच बीच में इनको चेक करते जाना है, पलटते जाना है। देखिए ये हो चुके हैं। अभी हम इसका सेकेंड स्टेप करते हैं। चिली पनीर के लिए एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेंगे हम। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स है, इसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, जिसको मैंने बड़ा बड़ा काटा है, उसकी लेयर अलग कर ली है। मैंने एक बड़ा कैप्सिकम लिया है, जिसको भी मैंने स्क्वायर में बड़ा काटा है। मैंने एक एक चम्मच बारीक कटी मिर्ची और बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन और एक चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर, जिसको मैंने पानी में घोल लिया है। और मैंने एक चम्मच लिया है सोया सॉस, एक चम्मच चिली सॉस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप पानी और 2 बड़े चम्मच ऑयल भी लेना है। फ्राई पैन में तेल डाल दिया है, इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है 1 चम्मच और बारीक कटा हुआ लहसुन 1 चम्मच और बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच। सारी चीज़ें डालकर मैं हल्का फ्राई कर लूँगी 30 सेकंड के लिए। अभी मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। एक प्याज लिया है मैंने बड़ा, जिसको मैंने बड़ा मोटा काटा है। एक मैंने कैप्सिकम लिया है, ये भी डाल देती हूँ। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। अभी हम इसमें सॉसेस डालेंगे। अभी मैं 1 चम्मच सोया सॉस डाल देती हूँ और 1 चम्मच चिली सॉस। सारी सॉसेस मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई रखना है और थोड़ा फास्ट करना है।
मैंने। अभी मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ। फ्लेम हाई होनी चाहिए और थोड़ा फास्ट प्रोसेस करना है। इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ मैं और थोड़ा सा नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। अच्छे से मिक्स करके मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और मिक्स करके सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हरा प्याज और हरा धनिया डालकर अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। यह हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। देखिए देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हमारा चिली पनीर रेडी है। देखिए एकदम परफेक्ट। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट करने से लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।